हे गाइज, वेलकम टू माय स्टूडियो। सो गाइज, ये जो ब्यूटीफुल सा पीकॉक मैं कैसे बनाया, ये मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से। तो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो गाइज जरूर से मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर बहुत ही जल्दी क्ले मॉडलिंग लाइव करके दिखाने वाली हूँ। तो इसीलिए आप जल्दी जाइए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, या फिर विश्वनाथपाल95, ये मेरा इंस्टाग्राम यूजर आईडी का नाम है। तो आप जाइए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तो अभी चलिए, हमारा आज का जो क्ले मॉडलिंग है वो हम स्टेप बाय स्टेप करके स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मिट्टी से एक बहुत ही सिंपल तरीके से एक पीकॉक का फिगर बनाना होगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं मिट्टी ले लिया हूँ। ये नेचुरल मिट्टी है जो हमारी नेचर में मिलती है, ज़मीन पर मिलती है, तो ये वही मिट्टी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जो नेचुरल मिट्टी है उसको कैसे रेडी किया जाता है क्ले मॉडलिंग के लिए, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। वहाँ पर मैंने दिखाया कि किस तरीके से आप मिट्टी को रेडी कर सकते हो क्ले मॉडलिंग के लिए, ठीक है। तो आप उस वीडियो देख लेना। अगर आपके पास नेचुरल मिट्टी नहीं है तो आप ऑनलाइन से मिट्टी बाय कर सकते हैं, उस मिट्टी से भी आप बना सकते हैं। तो कैसे देखिए, पीकॉक रेडी करने के लिए हमको तीन स्टेप में रेडी करना होगा। सबसे पहले पीकॉक का जो बॉडी है वो है, और पीछे का जो पूंछ है, और पीकॉक का जो गला है। ये तीन चीज़ मैंने एक राफ करके बना लिया है सिंपल तरीके से, और उसको देखिए मैं तीनों एक साथ जोड़ रहा हूँ। तो अभी देखिए, ये एक तरह का मतलब पीकॉक का जो शेप है वो शेप आ गया पीकॉक का, ठीक है। अभी देखिए, ये एक वायर है, ठीक है। इस वायर को मैं पीकॉक का जो पैर है उस पैर बनाऊंगा, और इस वायर के ऊपर ही पीकॉक खड़ा रहेगा। तो देखिए, मैंने वायर तो सेट कर दिया, अभी पीकॉक जिसके ऊपर खड़ा रहेगा, मतलब एक छोटा सा पत्थर बनाना होगा पीकॉक के पैर के नीचे। तो देखिए, मैंने नीचे थोड़ा सा मिट्टी लगा के जो पीकॉक का जो पैर है वो मैंने नीचे अंदर गाड़ दिया। तो ये हो गया एक राफ तरह का पीकॉक का एक शेप, मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसका फिनिशिंग करूँगा। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि डिटेल में मुझे जाना है कलर में। तो इसीलिए यहाँ पर मैं सिर्फ एक राफ तरह का पीकॉक बनाऊँगा, और कलर में जाके मैं इसका फिनिशिंग अच्छे से करूँगा। सो गाइस, ये जो क्ले इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये एक बहुत ही अच्छा सा क्ले इंस्ट्रूमेंट है और बहुत सस्ता भी है। तो अगर आप ये क्ले इंस्ट्रूमेंट बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहाँ से ये क्ले इंस्ट्रूमेंट बाय कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, मैं पूंछ के नीचे एक छोटा सा मिट्टी का सपोर्ट दिया हूँ, क्योंकि ये पीकॉक तो मैंने बिना स्ट्रक्चर के सिर्फ मिट्टी से बना रहा हूँ। हाँ, पीकॉक का जो पैर है उसके अंदर मैं वायर दिया हूँ, लेकिन पीकॉक का जो बॉडी है उसके अंदर मैंने कोई भी स्ट्रक्चर या फिर आर्मेचर में नहीं दिया हो, आपने देखा। तो इसीलिए ये मैंने नीचे सपोर्ट दिया हो, नहीं तो क्या होता, बनाने के टाइम ये टूट जाता। तो अभी आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा शायद, कि मैंने बिना स्ट्रक्चर के, मतलब बिना आर्मेचर के मैं क्यों बना रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं इस पीकॉक के अंदर आर्मेचर या फिर स्ट्रक्चर देता तो क्या होता, जब मैं इसको सुखाता धूप में तब ये बहुत ही ज़्यादा क्रैक हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्रैक नहीं होगा, मतलब होगा एक दो होगा, ये जो मोर के जो पैर में मैंने वायर दिया है वहाँ पर छोटा सा एक दो हो सकता है, तो वो क्रैक मैं ठीक कर लूँगा। तो अगर आप जानना चाहते कि मैं क्रैक कैसे ठीक करता हूँ, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि क्रैक कैसे ठीक कर सकते हैं, पूरा डिटेल में बनाया वीडियो को, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। मतलब क्ले मॉडलिंग के बारे में जितना भी वीडियो होता है, जैसे कि मिट्टी कैसे बनाते हैं, क्रैक कैसे ठीक करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये सभी तरह का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप इस वीडियो ख़त्म होने के बाद वो सब वीडियो जाके देख सकते हैं। Thank you.
गाइस सामने यहाँ पर मुझे एक और सपोर्ट देना होगा क्योंकि सामने की तरफ बहुत ही वेट ज़्यादा हो गई है, तो इसीलिए सामने की तरफ मैं थोड़ा सा और सपोर्ट दे दिया, वो मैं बाद में निकाल लूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने स्प्रे किया, ये है वाटर। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर आप जो स्प्रे करते हो पॉलिश के टाइम वो क्या होता है। भाई वो वाटर ही है, ठीक है। उसके स्प्रे करने के बाद ये जो पॉलिश तरह का है ये करना बहुत ही आसान होती है, तो इसीलिए मैं वाटर को स्प्रे कर देती हूँ। तो अभी ये मैंने वाटर से ब्रशिंग कर रहा हूँ। आपको बहुत एक सॉफ्ट ब्रश लेना होगा और उस ब्रश की मदद से आपका जो क्ले मॉडलिंग है उसको ब्रशिंग करना होगा, ठीक है। तो गाइस ये बन गया पीकॉक का पैर और हमारा जो पीकॉक है वो कंप्लीट हो गया है, देखिए। तो गाइस ये सपोर्ट मैं बाद में निकल लूँगा सुखाने के बाद, तो अभी इसको सुखाना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा। तो ये देखिए ड्राई करने के बाद पूरा सूख गया है और जो भी सपोर्ट था वो मैंने निकल लिया है। तो ये पूरा एक दिन लगा ड्राई करने में। तो अभी ये कलर करने के लिए पूरा रेडी है। तो ये है फेब्रिक का एक्रेलिक कलर, तो इस एक्रेलिक कलर से ये पीकॉक में आज पेंट करूँगा। तो सबसे पहले हमें इस वाइट कलर से पूरा जो पीकॉक है इसमें ये वाइट कलर लगा देना होगा, ये प्राइमर का जैसा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं पूरा वाइट कलर लगा लेती हूँ और उसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप जो कलर से पीकॉक का जितना भी कलर से वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा। तो गैस ये पीकॉक ड्राई करने के टाइम थोड़ा बहुत क्रैक भी आ गया था पैर की जगह पे जहाँ पे वायर दिया था, तो वो क्रैक मैंने ठीक कर लिया। अब क्रैक कैसे ठीक करते हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिए। पूरा डिटेल में मैंने समझा कि क्रैक को कैसे ठीक करते हैं। और ये जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ फेब्रिक का कलर एक्रेलिक, इस कलर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से ये कलर बाय कर सकते हैं। क्ले मॉडलिंग को कलर करने के लिए ये कलर बहुत ही बढ़िया कलर होता है। तो अभी चलिए स्टेप बाय स्टेप इस पीकॉक को पेंट करते हैं और आप भी इस वीडियो को देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के एंड में।
गाइस कैसा लगा आज का ये पीकॉक बनाना? आई होप आप लोगों को आज का ये पीकॉक बनाना बहुत ही अच्छा लगा और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, जल्दी जाइए और मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आपसे एक नया क्लियर स्केचिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।